हेलो फ्रेंड्स, सुनीता शर्मा किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके बालों के लिए इतनी ज़्यादा पावरफुल तेल की रेमेडी लेके आए फ्रेंड्स कि इस तेल को आप बना के महीने भर के लिए आप कंटिन्यू अप्लाई कर लेंगे तो आपके बालों की इतनी समस्या है वो बिल्कुल जड़ से खत्म होंगी और आपके बाल बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेंगे और इतने ज़्यादा थिक होंगे, बालों की लेंथ इतनी स्पीड से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। मैं गारंटी से बोल रही हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको कंटिन्यू इस तेल को अप्लाई कर लेंगे तो चलिए इस रेमेडी को बनाने स्टार्ट करेंगे। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें, इसके बिल्कुल भी ना करें। अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी जाके फॉलो, लाइक, शेयर करें, वहाँ पे भी आपको ऐसे नई नई रेमेडी देखने को मिलेगी। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको सबसे पहले लेना है 1 चम्मच के करीब इसमें कलौंजी लेना है, 1/2 चम्मच इसमें ले लेना आपको अलसी लेना है। ये हमारे बालों की सभी समस्याओं को दूर करेंगे और हमारे बालों को एकदम नई जान डाल देंगे बालों में। 1 चम्मच इसमें डाल दें मेथी दाने, तो मेथी में भी इतने सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो हमने ये चीज़ें ऐड की है, बिल्कुल साबुत चीज़ें ऐड किए हैं, तो ये हमारे बालों में एक वरदान टाइप का काम करेगी। और 1/2 चम्मच हमने ले लिया राई ले लिए हैं, आप इसको सरसों भी बोल सकते हैं। 1/2 इंच के करीब हमने ले लिया अदरक ले लिए हैं, इसमें 1 या 2 आंवला ऐड कर सकते हैं आपको जितना, अगर आपको तेल की क्वांटिटी बढ़ाना चाहिए उसी के हिसाब से आपको आंवला ऐड करना है। और अब इसमें डाल देंगे हमने 2 इसमें कड़ी लीव, जो हमने करी लीव्स लिए हैं ये कड़ी पत्ते, तो इसमें 2 डगाल लिए हैं, ये पूरी मात्रा इसकी डाल देना आपको। ये तेल इतना ज़्यादा वरदान टाइप का काम करेगा फ्रेंड्स, इस तेल को अगर बना के आप स्टोर कर लेंगे तो। और एक सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो हमने लिया है इसमें ले लिया हमने कच्चा नारियल ले लिए हैं, आप ये कच्चा नारियल आसानी से मिल जाएगा, आपको इस तरीके से इसको कट करके डाल देना है, जो इसमें तेल निकलेगा वो इतना ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। डायरेक्ट आप इस तेल को, जो भी हम मार्केट से तेल यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट देने वाला है ये। तो इस तरीके से आपको मिक्सी की जार में डाल के इसको हल्का दरदरा इसका पेस्ट बना लेना है, क्योंकि नारियल में भी जो तेल है जो गर्म होने के बाद में खुद ही अपने आप से रिलीज होने लगेगा। तो इस तरीके से देखिए हमने इसका दरदरा पेस्ट बना लिए हैं। अब आप कोई भी बर्तन ले लेना, आपको जो भी इसको तेल को पकाना है आपको बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको पकने देना है, कि तब तक पकाना आपको कि इसका बिल्कुल अच्छे से ब्राउन कलर नहीं हो जाए, तो जो भी इसके न्यूट्रिशन है जो हमने चीज़ें ऐड की है उसको तेल में अच्छे से आ जाएंगे। ये तेल एकदम वरदान टाइप का काम करेगा। तो अब इसमें ऐड कर देंगे 10 से 12 इसमें लौंग ले लिए हैं, और अब इसमें डाल देंगे सरसों का तेल ले लिया हमने, आप इसकी जगह कोई अगर इसमें नारियल तेल भी ले सकते हैं, बट सरसों के तेल में इतने सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें ऐड कर दिए हैं, तो ये तेल है जो बिल्कुल नॉर्मल नहीं रहेगा, इतना ज़्यादा हेल्दी होने वाला है फ्रेंड्स। आप भी इस तेल को ज़रूर बना के अप्लाई करें, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आएंगे। तो अब हमने गैस ऑन कर दिया, अब इसको बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको पकने देना है, क्योंकि इस तरीके से पकेगा तो बिल्कुल जो न्यूट्रिशन है जो तेल में अच्छे से चले जाएंगे। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो थोड़ा सा भी अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा देखें, इसके बिल्कुल भी ना करें। और अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी जाके फॉलो, लाइक, शेयर करें, वहाँ पे भी मेरे को आप सपोर्ट करें, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे भी हेल्दी रेमेडी आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से देखिए हमने बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको पकने देंगे, और देखिए इसका कलर धीरे धीरे करके इसका चेंज होने लगा है। आप इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट तेल का रिजल्ट आएगा आपके बालों में, आप इसको कंटिन्यू अप्लाई करना शुरू कर देंगे तो। और आप इसको बच्चों से लेके बड़ों तक भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कड़ी पत्ते भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माने गए हैं हमारे बालों के लिए, वो एक वरदान टाइप का काम करते हैं वे। तो आप इस तरीके से आप ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं। अगर आपके आसपास कहीं पे भी, अगर आपके घर में भी अगर गुड़हल की पेड़ लगा हुआ है तो आप उसकी पत्तियों का भी ज़रूर यूज करें, इसमें फूल या पत्तियों का, वो भी हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होती है। तो इस तरीके से देखिए हमने इसको तेल को पका रहे हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पका रहे हैं, ये धीरे धीरे करके बिल्कुल इसका कलर है जो चेंज हो चुका है। और इसमें जहाँ क्यों बन रहा है कि सरसों हमारी बिल्कुल ताज़ा सरसों का तेल है ये, बिल्कुल घर में जो कड़वा के, और तेल है इतना ज़्यादा बिल्कुल प्योर ही तेल है ये, नेचुरल तरीके से, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, तो ये तेल है जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होने वाला है। तो देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, बिल्कुल ब्राउन हो चुका है ये, तो ये बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। तो अब इसके हम गैस बंद कर देंगे, तो देखिए गैस हमने बंद कर दिया है, बिल्कुल ये तेल हमारा इतना गर्म था तो बिल्कुल ब्राउन हो चुका है ये, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और बिल्कुल पक चुके हैं जो भी इसमें चीज़ें ऐड करे थे जो। तो अब इसको कोई भी कपड़े की मदद से या कोई भी छन्नी की मदद से छान कर इसका तेल को अलग सेपरेट कर लेना आपको,
और आप इसको अगर स्प्रे की बोतल में डाल सकते हैं तो स्प्रे की सहायता से भी अपने बालों की जड़ों में लगाइए, आप कॉटन की मदद से लगाइए, आपकी उंगलियों की मदद से भी लगा सकते हैं। धीरे धीरे करके आप इसको हफ्ते में 3 बार इसकी मसाज करें, आपके जो बालों के रिजल्ट है जो आप खुद देखने लायक हो जाएगा, खुद देख के चौंक जाएंगे। तो इस तरीके से आपको कोई भी एक बर्तन में इसको छान के रिस्टोर करना है, आपको कोई भी एयर टाइट बोतल में कांच की में भर के रख लेना। आपको अगर इसकी क्वांटिटी अगर आपको ज़्यादा बना के रखनी है तो आप इसको ज़्यादा भी बना सकते हैं, आप इसको कम से कम इसको 15 से 20 बार आप आसानी से इस तेल को लगा सकते हैं। करीब 1 से 1.5 चम्मच हमारे एक बार में लग जाएगी तेल की, तो इसमें कम से कम 15 से 20 चम्मच आसानी से तेल की निकल जाएंगी और आप इसको आराम से लगा सकते हैं। तो आप लेंथ के हिसाब से अपने बालों के अकॉर्डिंग आप इसको अच्छे से आप मात्रा को इसको बढ़ा सकते हैं, क्वांटिटी को आप ज़्यादा मात्रा में भी बना सकते हैं। अगर ज़्यादा मात्रा में बनाएं तो आप इसमें आंवला की क्वांटिटी और ऐड करें, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आने वाला है फ्रेंड्स, नेचुरल तरीके से ब्लैक कलर आएगा। अब इसमें डाल देंगे 1 विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई का कैप्सूल हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, ये हमारे बालों को झड़ने से रोकता है, हमारे बालों में बहुत ही अच्छी चमक लेके आता है, हमारे बालों को बहुत ही ज़्यादा सिल्की बनाता है ये। तो इसमें विटामिन ई का कैप्सूल को डालने के बाद में आपको अच्छे से इसको मिक्स करना है, मिक्स आपको बहुत ही अच्छे से करना है क्योंकि ये हमारे बालों में बहुत ही ज़्यादा असर करने वाली रेमेडी है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।